इस पर कि हमारी कड़ी नजर है। जैसा जैसे यह समय बीतता रहेगा, बीतता जाएगा, सरकार निर्णय लेते जाएंगी, किन किन चीजों की प्राथमिकता है, क्या किन चीजों की आवश्यकता है, उन पर निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगी। और आज हम लोगों ने विशेष आपदा बैठक आज हमने किया, कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, अभी चर्चाएं जारी है, कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूत से लिया जाएगा। जैसे CBSE के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। दोस्तों, एक कल की वीडियो है जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर निर्णय लिया है और अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्णय लेना बाकी है, जिसमें आप लोग स्कूल कॉलेज जो खुला है उससे संबंधित भी और एग्जाम से रिलेटेड भी है। इस पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही आज कोई निर्णय लिया जाता है, आज भी फिर से बैठक चलेगी, जैसे आप लोग देखे इस वीडियो में बताया गया। जैसे ही कोई निर्णय आता है मैं आप लोग को जल्द से जल्द बता दूंगा। तो बस चैनल पर बने रहें, जो चैनल बच्चे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई असमंजस की स्थिति जितनी है सारी आज आप लोग का दूर हो जाएगा। आज फिर से मीटिंग चलेगी, फिर से बैठक होगी, जिसमें अब इस बात पर निर्णय लिया जाएगा आप लोग एग्जाम पर क्या निर्णय होगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।